सूजी का चीला खा रहा हूँ, और क्योंकि मैं इतना सूज चुका हूँ खा खा के, तो सूजी का चीला खा के थोड़ा सा बेटर फील करूँगा उसको देख के। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सुबह 6 बजे उठने की कोशिश जारी है, तो वो आज कोशिश पूरी हुई। सुबह 6 बजे उठे हैं हम, और इस वक्त बज रहे हैं 6:30-7 के आसपास, बीच का टाइम है मतलब। तो सूरज देवता जी निकल चुके हैं, थोड़े थोड़े निकल रहे हैं मतलब। अभी हम लड़ियां लगा रहे हैं, कल और 2 दिन से शूट बिल्कुल नहीं हो पाया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया 2 दिन से। इस चक्कर में मुझे भी बहुत बुरा लगा, दिल से बुरा लगा। तो अब हमें घर पे लड़ियां लगानी है, लाइटिंग करनी है, क्योंकि सब लोगों के लग चुकी है, हमारे घर पे रह गई है तो दिवाली से एक दिन पहले। कल था धनतेरस, तो आज छोटी दिवाली है, तो आज हम लड़ी लगा रहे हैं सुबह सुबह 6 बजे उठ के, तो इसीलिए हमारा उठना होता आज सुबह। बाकी लड़ी लगाने के बाद मैं आपसे बात करते हैं। मैं थोड़ा फ्रंट कैमरा नहीं है, पीछे नहीं है फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा फिर ये स्क्रीन दिखेगी ना, और ये बाहर भी होता है, वो बाहर नहीं होता है। तो ये लट सा कैसे कर रखा है, ये खुलता है क्या, ये ऊपर के खुलता नहीं है, ये अभी बहुत टाइट है, इसको फिर टेक्निक होती है उस हिसाब से खोलना पड़ता है, क्योंकि ये फिल्टर है, क्योंकि इसमें फिल्टर अभी लगा हुआ नहीं है, ये नॉर्मल है, इसमें लोग फिल्टर लगाते हैं। तक आप टाइम लैप्स देखो जब तक हम लड़ियाँ लगाते हैं, क्योंकि आपका टाइम लैप्स इन्जॉय हो जाएगा और हमारा लड़ियों का काम हो जाएगा। तारों का चमक कितना गहना, तारों का चमक कितना गहना। वैसे तो गाइस मैं टाइम लैप्स दिखाने की कोशिश पूरी पूरी करी, कोशिश क्या मतलब दिखाया ही है, लेकिन सूरज ज़्यादा नहीं निकले के, तो बादलों के चक्कर में निकल ही नहीं पा रहे अभी तक, और अभी भी देखो सिर्फ यहीं तक ही निकले हैं। तो सही टाइम पे मैंने आपको सनराइज दिखा दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था बादल इतने हैं अभी भी छुप गए हैं वापस से, वो देखो। तो सही टाइम पे मैंने दिखा दिया आपको, क्योंकि मुझे लगा कि भाई निकल रहे हैं, तो जल्दी से एकदम मैंने टाइम लैप्स बना डाला। पता नहीं टाइम लैप्स पहली बार मैंने बनाया है, कैसा बना होगा वो तो अब वीडियो एडिट करने के टाइम पे ही पता चलेगा कि किस हिसाब से टाइमिंग सेट हुई है, फिर मेरे को अपना टाइम ड्यूरेशन सेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो फिलहाल अब मैं नीचे जा रहा हूँ, छत पे काम निपट चुका है, लड़ियाँ लग चुकी हैं, लाइटिंग लग चुकी है, मैं चाय पी चुका हूँ, चाय पीने के बाद समझ सकते हो, तो इसलिए नीचे जा रहा हूँ।
प्रेशर बन गया। हाँ दिखा दिया मैंने अपना तो वो दिखा। ओके देखो पापा अभी हम हैप्पी दिवाली भैया जी। बस रहो खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो। गाइस देख सकते हो आप कैसे दिवाली मन रही है, कितना मजा आ रहा है। एक बात तो वैसे सही है, ओह माय गॉड भाई साहब एकदम मेरे करीब से गया है, मेरे करीब से एकदम। लेकिन एक बात बहुत फैक्ट है कि दिवाली बिना पटाखों के अधूरी है यार, अधूरी है। वो बात अलग है मैं नहीं चला रहा, लेकिन दुनिया के पास जाओ जो ओ भाई वो बात अलग है मैं नहीं चला रहा, लेकिन दुनिया तो लेकर आई है ना भाई साहब, दुनिया का मजा लो जो फोड़ रहे हैं। लेकिन मजा आ रहा है यार, जो भी बोलो मजा आ रहा है। तो वो फूट रहा था पटाखा, बहुत सही टाइम पे ऊपर आया हूँ, बहुत सही टाइम पे। यहाँ से मेरे फेस पे थोड़ी सी रोशनी आ रही है, पता नहीं मुझे मतलब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो भी है जोर शोर से पटाखे बह रहे हैं। बाकी देखो वो बात एक अलग है कि गवर्नमेंट ने ये, चलो ये बात मैं बाद में करता हूँ, पहले नीचे चला जाऊँ फिर बात करता हूँ। पटाखे तो चलो फूट रहे हैं ठीक है, लेकिन दिवाली पटाखों के बिना अधूरी है वैसे देखा जाए तो। और दूसरी चीज़ मैं जो बोलने वाला था वो ये थी कि पटाखे फोड़ने के साथ साथ हमें थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग पटाखे तो फोड़ लेंगे रात भर, लेकिन कल जब सुबह उठेंगे तो पूरी गली वगैरह में रोड पे सब जगह मतलब पटाखों की चीथड़े ही चीथड़े नज़र आएंगे। और मतलब आपको पता ही है, आप समझ ही सकते हो कि सब जगह पटाखों के उसके जो चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं पटाखे फूटने के बाद, जो कागज़ कागज़ बिखरे रहते हैं, तो वो चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो भी साफ़ सफाई हो जाए, वो मतलब ऐसे ही रहे ना रोड पे। बस बाकी तो दिवाली हैप्पी दिवाली आप सबको। और ये व्लॉग 3 दिन का मिक्स है इसके अंदर, जो कि आप देख ही चुके हो, यहाँ तक आ गए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो मेरे चैनल को। देखो क्या आवाज़ आ रही है पटाखों की, अभी फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे चैनल को करते रहो और अपने भाई को खूब सपोर्ट करो, खूब आगे बढ़ाओ, प्लीज़ यार प्लीज़, आप लोगों का ही सपोर्ट है। और मतलब बस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, mayank.mk.verma के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो यहीं स्क्रीन में दिख जाएगी आपको। और अभी इस वक्त पटाखे बहुत ज़ोर शोर से अभी भी फूट रहे हैं और टाइम हो चुका है 10, तो बाकी ये ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ मैं, यहीं पर एंड करता हूँ ये ब्लॉग। लेकिन एंड से पहले दो चार लोगों से बातें कर लेनी है मेरे को, वो बातें भी करनी है, जस्ट होल्ड। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आपका परिवार को मैं हमारी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पटाखे फोड़ चुका है, पीछे हुआ है आपकी गली में भी, जैसे हमारी गली में आई थी अभी पटाखे फोड़ने पे, आपकी गली में रोज पीछे आए। अबे पटाखे कितने जोर शोर से फूट रहे हैं। देखिए दोस्तों, दिवाली पे पटाखे फोड़ना, पोल्यूशन फैलाना, ध्वनि प्रदूषण फैलाना बिल्कुल सही है। दिवाली सिंपल चांदी बनाइए, दिए जलाइए और रात के आगमन की खुशियां मनाइए। आपका आपका अरे रोज पटाखे फोड़ा सलाह कौन दिखा नहीं है उसका बड़ा नौजवान अबे गौतम ने वीडियो कॉल नहीं उठाई। तुझे पता ही है उसके दूसरे कामों के बाद अब मैं क्या बताऊं तुझे। वो गए हैं अपने, देख पीछे कितना सही बैकग्राउंड आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। देख मैं तो ना वो दिखाऊं कैमरा बैक करके। बढ़िया है बढ़िया है। अबे तेरे यहाँ पे भी पटाखे फूट रहे हैं ना। मैंने तो यही बोला है कि पटाखे बिना दिवाली तो अधूरी है। वैसे है ये तू रिकॉर्ड तो नहीं है ये तू सुना रहे सबको। नहीं नहीं रिकॉर्ड किया है मैंने। तो पैसे कहाँ भिजवाने हैं वो बता दो। नहीं अगर हम ये कहेंगे कि दिवाली पे पटाखे मत फोड़िए। अभी तक पूजा नहीं करी अभी तक। चल बैटरी चार्ज कर ले अपने फोन की। हाँ ठीक है चल। ओके गुड नाइट। गुड नाइट, हैप्पी दिवाली। चलो गाइज, वैसे अब मैंने बात कर ली है, बाकी मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, बार बार मैं बोलता रहूँगा जब तक आप लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते रहोगे। मैं बार बार ऐसे ही बोलता रहूँगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, अपने भाई को आगे बढ़ाओ और ऐसे ही प्यार बनाते रहो। और अंत में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, खुश रहो। कुछ भी दुख हो जिंदगी में उसको भी खुशी से मतलब बिताने की कोशिश करो। हालांकि किसकी ज़िंदगी में क्या दुख है वो मैं तो नहीं जानता, लेकिन क्या होता है कि जितना दुख को अवॉइड कर सकते हैं उतना सही है, क्योंकि टेंशन लेके फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में वैसी टेंशन भरी पड़ी है और टेंशन और पाल के फ़ायदा नहीं है। टेंशन को जितना हो सके उसको हंसी खुशी निकाल दो। मेरे को भी 3-4 दिन से टेंशन ये थी कि व्लॉग नहीं बन पा रहा, और उसके अलावा भी बताई टेंशन थी। लेकिन अब जो दिवाली का टाइम है, अब 10 बज चुके हैं, मतलब शाम होते होते मैंने सोचा कि चलो ये टेंशन पालने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि टेंशन में मुझसे व्लॉग बिल्कुल नहीं बन पाता। अगर मैं अपना चेहरा कैमरे के आगे दिखाऊँ ना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो बस खुश रहो और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो प्लीज़। बाय।